हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के बीआरपी सीआरपी शिक्षकों की 955 पदों की भर्ती, जिसके लिए यहाँ पर आपको आईडी बनाने के लिए बताया गया है। आईडी कैसे बनाते हैं मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, तभी आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे इन पदों की भर्ती के लिए, ठीक है। और ये क्योंकि आचार संहिता लग रही थी, इसी वजह से आयोग ने, विभाग ने यहाँ पर जो है इसका नोटिस जारी करा है। और ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं हो रखे हैं, और जब भी होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट हो या अप्रैल फर्स्ट 1-2 तारीख से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन इसका नोटिस ऑलरेडी आ चुका है आचार संहिता से पहले पहले। बीच में कभी भी फॉर्म फिल करे जा सकते हैं इसके, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। फिलहाल यहाँ पर ये कह रखा है कि उत्तराखंड सरकार का जो प्रयाग पोर्टल है उसमें निम्न ब्यूरो अनुसार जो है लॉग इन आई डी बनाने का कष्ट करें। जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको लॉग इन आई डी बनाना कंपलसरी होगा। और इसके लिए यहाँ पर जो है बंसीधर तिवारी ने यहाँ पूरा अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। जल्द इसके ऑनलाइन आवेदन होने हैं, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आईडी लॉग इन करना है ऑनलाइन तरीके से, कैसे करते हैं चलिए वेबसाइट में चले जाते हैं। सबसे पहले ये मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड के प्रयाग पोर्टल, जिसमें आप लोग देखते हैं कि रोजगार प्रयाग उत्तराखंड। तो ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ये वाला लिंक। आप नहीं तो गूगल में सर्च करते हैं सीधे सीधे, वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लॉग इन होना है और रोजगार प्रयाग पोर्टल पे, और उसके बाद से यहाँ पर आपको आईडी बनानी है। आईडी कैसे बनाते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। कई लोग कह रहे थे कि भाई हमें आईडी बनाना नहीं आ रहा है या हमसे नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे आपको आईडी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आएगा थ्री डॉट। थ्री डॉट जैसे क्लिक करोगे तो न्यू अकाउंट करके आएगा, ठीक है। न्यू अकाउंट करके आएगा तो यहाँ पर जॉब सीकर है, एम्प्लॉय है, तो जॉब सीकर पे कर देना, क्योंकि आपको, एक मिनट नेट नहीं चल रहा है, तो नेट ऑन नहीं था, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक मिनट आपको अभी दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जॉब सीकर पे क्लिक करने के बाद से आपको, एक मिनट, तो उसके बाद से यहाँ पे एक पेज खुलेगा, और यहाँ पर ठीक है ये आपका खुल जाएगा। इसमें नोट करके लिखा है कि स्टार मार्क्स से कंपलसरी आपको रहेंगे बताया गया है, और प्लीज़ फिल द डिटेल अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड। आधार कार्ड के अनुसार भरना है आपको, कृपया अपने आधार कार्ड के अनुसार ही भरें। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग देखते हैं। स्टार मार्क कंपलसरी है, और इसमें लिखा गया कि पासवर्ड पॉलिसी कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका 8 नंबर का होगा कम से कम, एटलीस्ट करके मैक्सिमम 22 नंबर का बना सकते हो। और यहाँ पर कह रखा है पासवर्ड कैन नॉट इंक्लूडेड ए स्पेस। पासवर्ड बनाते समय स्पेस नहीं छोड़ना, मतलब ए लिख दिया तो स्पेस नहीं छोड़ोगे, ठीक है, आप चिपका चिपका के लिखोगे। उसके बाद से यहाँ पर है कि पासवर्ड जो है मस्ट इंक्लूडेड एटलीस्ट 1 नंबर, तो एक नंबर तो होना ही है, मतलब एक का नंबर होना है, एटलीस्ट 1 करेक्टर, मतलब एट द रेट होता है या हैच वाला होता है, स्टार वाला होता है, एक ना एक करेक्टर लिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल करेक्टर एटलीस्ट, जैसे यहाँ पर देखिए वैलिडिटी लिस्ट में आप लोग देखते हैं ये चीज़ें आपकी रहेंगी। और सिंपल पासवर्ड जैसे आपका यहाँ पर देखते हैं, स्टार्टिंग का आपका कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्मॉल बना सकते हो, ये वाला लगा सकते हो, नंबर भी लगाना पड़ेगा, ये करना कंपलसरी है। उसके बाद से यहाँ पर ये आप क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, यस नो जो भी है आपके पास, ठीक है। मतलब कि ऑलरेडी रजिस्टर हो यस करना, नहीं हो तो नहीं करना है, ठीक है। आप पहले हो तो यहाँ पर नहीं करना है, आप जैसे यहाँ पर नहीं करना है, क्लिक करना है, गलती से यस हो गया, यहाँ पर नहीं करना है, जैसे क्योंकि आप पहले से रजिस्टर नहीं हो, ठीक है, तो रजिस्टर नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे भी नो पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज अब खुलेगा, जिसमें यहाँ पर लिखाएगा आपका, यहाँ पर क्लिक हेयर रजिस्टर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ेगा, ये आपका लिखा गया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अच्छे से वीडियो को देख लेना, अगर नहीं आ रहा एक दो बार पॉज करके अच्छे से दोबारा से देख लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट पेज खुलेगा यहाँ पे, ये आईडी बनाने का एक तरीका है। जैसे ऑनलाइन आवेदन होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि फिलहाल जो है आपको यहाँ पर आईडी बनाना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अपनी सरकार का ऑप्शन खुल चुका है, ठीक है। तो ये प्रमाण पत्र आपके लगेंगे इस साइड को, जो भी है आपका प्रमाण पत्र सत्यापन या आवेदन जो है प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर शेष स्थान वाले भी ये लिखा गया है, तो ये आपका यहाँ पर पासवर्ड नागरिक रजिस्ट्री करने के लिए बुलाया गया है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर अपना अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और
यहाँ पर अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं, बाकी लॉग इन कर सकते हैं यहाँ से अगला वाला यहाँ पे स्टेप में। जैसे ही लॉग इन करोगे उसके बाद से आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर यूजर आईडी जब सब कुछ बना लोगे तो यहाँ पर यूजर आईडी और कैरेक्टर पासवर्ड सब कुछ यहाँ पर डालोगे तो ये आपका सबमिट कर देना, तो आपका यहाँ पर आईडी बन जाएगा। तो जो अपने सरकार है सब कुछ वहाँ पर बनेगा। एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर होना जरूरी है, नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, सारा डिटेल डालना है वहीं पर, आपको आईडी बनाना है, उसके बाद से पूरा पूरा प्रोसेस होगा। ये आईडी बना के आपको रख देनी है और उसके बाद आप जब भी फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा, या आपको खुद ही ये वेबसाइट बता देगा, या इसका ऐप भी है वो भी बता देगा आपको। नहीं तो आप इसमें लॉगिन करते रहना, आपको अपडेट मिल जाएंगी, नहीं तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा जब भी आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक है शायद मेरे ख्याल से, और बाकी आपके आ जाएंगे, नहीं तो इस लास्ट में अगर आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा।